हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल बंडल हमारे गेम के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हो भाई क्रिमिनल बंडल का इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर हमारे गेम के अंदर कब तक देखने को मिलेगा। इनक्यूबेटर के रिलेटेड जितने भी आपका सवाल है, सभी सवाल का जवाब दे दूंगा। जैसे भाई नेक्स्ट इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट रिटर्न इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर कौन सा हो सकता है, सब कुछ आज के वीडियो में कवर कर देंगे। तो भाई लोग वीडियो को बिना स्किप के जरूर से देख लेना। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। उसी के साथ साथ यदि हमारे चैनल पर पहली बार या फिर नए-नए आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस हम 17,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। तो चलो गाइस फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस हम लोग बात करते हैं नॉर्मल इनक्यूबेटर के बारे में, जिसके अंदर हमारा टाइम ट्रेवल का बंडल दिया गया है स्पिन करने को। वो जैसे हमारे गेम के अंदर खत्म होगा तभी हम लोग वो नेक्स्ट इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा, वो कौन सा होने वाले। बहुत सारे बंदे सवाल कर रहे थे तो भाई उसी का क्लिप यहाँ पे दिखा लेते हो। तो भाई हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है P90 का। तो भाई P90 का इनक्यूबेटर देख लो यहाँ पे, मतलब रेड कलर का भाई कितना ज्यादा ओपी एंड जहर दिख रहा है। टॉप 2 यहाँ पे स्क्रीन दिखा लेता हूँ भाई, रेड कलर देख लो कितना ज्यादा ओपी एंड जहर है। यह हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर का टॉप गन स्किन होने वाली है। उसी के बाद यदि देखोगे तो हमारा मतलब पिंक वाला आ जाता है, पिंक वाला इनक्यूबेटर का स्किन भाई, P90 का स्किन भाई आने वाला है इनक्यूबेटर के अंदर। तो भाई जिसने भी लाइक नहीं किया था वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग को P90 का इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और ये आप लोग को पहले से पता था कि नहीं ये भी जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना। अभी कैसे हम लोग काम करेंगे, अभी क्या करेंगे पता है भाई लोग, अभी हम जाएंगे अलग अलग सर्वर पे। ये भाई आप लोगों के मतलब आप लोग नहीं जा पाते हो अलग अलग सर्वर पे, बट कैसे हमारे पास सर्वर होता है, हम अलग अलग सर्वर पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाकर मतलब वहाँ पे जाकर आप लोगों को क्लिप वगैरह दिखाते हैं। उसी तरह मेरे भाई लोग यहाँ पे हम लोग कुछ 3-4 सर्वर में जाएंगे और मैं आप लोग को दिखाऊंगा वहाँ पे इनको बेटर रिटर्न के अंदर क्या क्या बंडल आया है। और कैसे यदि आप लोग को सर्वर चेंज करना नहीं आता तो भाई लोग कमेंट में जरूर से कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर से बना लूंगा कि हाउ टू चेंज सर्वर। जैसे भाई ब्राजील सर्वर में कैसे लॉग इन करे, इंडोनेशिया सर्वर में कैसे लग इन करे, सब कुछ एक बार बता दूंगा। तो आप लोग बस कमेंट में कमेंट करके बता देना। तो चलो गाइस फटाफट सर्वर लॉग इन करते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ बाहर के सर्वर में कौन सा इनक्यूबेटर आया है। भाई लोग मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ ब्राजील सर्वर, यहाँ पे नाम भी लिख लो भाई प्रकाश गेमिंग है, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे कमेंट में ये बताते कि भाई ये तू बाहर के सर्वर में नहीं जाता, सिर्फ और किसी का वीडियो क्लिप लगा देते। तो भाई यहाँ पे देख लो मेरा नाम है, मतलब मैं बाहर के सर्वर में आया हूँ। ये गाइस ब्राजील का सर्वर, यहाँ पे भाई लोग 3-in-1 इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर देखने को मिला है। पहला इनक्यूबेटर देख लो कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब बोल सकते हो भाई ओपी ओपी बंडल है भाई, मतलब रिटर्न के अंदर देखने को मिल रही है तो भाई ओपी होगा, क्योंकि भाई जितने भी पुराने बंडल है, पुराने इनक्यूबेटर के बंडल है, सभी के सभी ओपी बंडल देखने को मिल रहे थे। इसी का नाम है समुराई इनक्यूबेटर भाई। आप लोग जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना आप लोगों को इनक्यूबेटर कैसे लगा। उसी के साथ साथ भाई ये 3-in-1 इनक्यूबेटर है भाई लोग, मतलब यहाँ पे और भी 2 इनक्यूबेटर आया है। उसी के साथ भाई ऊपर यदि साइड में देखोगे तो 4 इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इनक्यूबेटर भाई यहाँ पे देख लो, ये भी हमारा बहुत पुराना इनक्यूबेटर है, इसका भाई शू ही बहुत ज्यादा ओपी है। शू देख लो भाई कितना ज्यादा, मतलब यार आग निकल रहा हुआ दिख रहा है भाई, मतलब स्ट्रीट बॉय बंडल से भी अच्छा होने वाला है शू भाई। ये जैसे ही हमारे गेम के अंदर आएगा भाई बहुत सारे बंदे इसको बाय करेंगे, बट इसी का भाई ज्यादा लीक निकल कर नहीं आ रहा। और भाई 3 नंबर का इनक्यूबेटर यदि देखोगे तो यहाँ पे भाई पोकर एमपी रिटर्न के अंदर आया गया है। जैसे भाई 3-in-1 इनक्यूबेटर के अंदर तीनों आइटम दिया गया इन लोगों को। तो वैसे आप लोग जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना क्या हमारे सर्वर पे 3-in-1 इनक्यूबेटर आ सकता है। यदि आएगा तो आप में से कितने बंदे बाय करने वाले हो जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना। उसी के साथ सर भाई लोग अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सर्वर पे, जो कि होने वाले हमारा ताइवान का सर्वर, देखते वहां पे कौन सा इनक्यूबेटर आया है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने लॉग इन कर चुके यहाँ पे ताइवान की सर्वर, पता नहीं गाइस ताइवान का नाम चेंज होकर यूरोप हो चुका है, पता नहीं क्यों बट ऐसा हुआ है भाई। यहाँ पे रिटर्न के अंदर ओई वाला इनक्यूबेटर देखने को मिला है, समुराई इनक्यूबेटर यहाँ पे रिटर्न के अंदर आया है। इसी बंडल का रिव्यू तो मैं पहले से कर चुका हूँ, तो भाई देख लो ओई वाला इनक्यूबेटर है। तो मतलब यार इसका ज्यादा लेके निकल कर आ रहा है कि इंडियन सर्वर में ये इनक्यूबेटर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ भाई इतने में ही खत्म नहीं है भाई, और भी सर्वर है, जैसे भाई थाईलैंड है, उसी के साथ साथ इंडोनेशिया है। हर सर्वर में जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वहां पे कौन सा इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर आया है, ताकि आप लोग को पता चले
चले हमारे गेम के अंदर इनक्यूबेटर कौन सा आने वाला है। उसी के साथ सर भाई एंड में आप लोग को ये भी बता दूंगा कि हमारे गेम के अंदर क्रिमिनल बंडल कब तक देखने को मिलेगा, नेक्स्ट इनक्यूबेटर क्या होगा, सब कुछ बता दूंगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सर्वर में। मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ एक और सर्वर, तो भाई यहाँ पे लॉकरल पे जाकर देखते हैं रिटर्न के अंदर हम लोग को कौन सा इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाई वही वाला सीन है, मतलब 3-in-1 इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भाई 3 बंडल देखने को मिल रहा है, देखते कौन कौन सा बंडल है। तो भाई पहला बंडल देख लो हमारा, ये वाला बंडल होने वाला इसी का, मेरे को अच्छे से नाम पता नहीं है, तो भाई यहाँ पे आप लोग देख के खुद पता कर सकते हो। भाई यहाँ पे देख लो ये बहुत ही ज्यादा रेयर था, इसको आए हुए भाई कम से कम 9 महीने या फिर 1 साल हो गए होंगे शायद से। भाई मैं जब नया नया गेम खेल रहा था तब भी शायद से आया था। भाई इसका हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा ओपी है भाई, क्या ही बताए। मेरे को जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना ये इनक्यूबेटर आप लोग को पसंद है कि नहीं। उसी के साथ साथ भाई नीचे यदि देखोगे तो हम लोगों को समुराई वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है। ये भाई लगभग हर सर्वर में देखने को मिला है भाई, इसका ही ज्यादा चांस निकल रहा है। यदि हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर बंडल आता है तो भाई यही वाला साइज देखने को मिल सकता है, इसके बारे में एंड में बात करेंगे। उसी के साथ यदि और नीचे जाते हो तो हम लोग को ये वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा भाई, मतलब ये हमारे गेम के अंदर आ चुका है, तो भाई ये हमारे गेम के अंदर अभी फिर से देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस ये हम लोग को मतलब ये सर्वर में देखने को मिला है, तो भाई दिखाने का काम है इसीलिए भाई मैं दिखा लिया। अभी गाइस हम लोग चलते हैं इंडोनेशिया के सर्वर में। तो गाइस सर यहाँ पे मैं लॉग इन कर चुका हूँ इंडोनेशिया सर्वर, और भाई लॉकी रोल पे जाकर यदि यहाँ पे देखोगे तो भाई वही वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है, जिसका हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा ओपी है। मैं बोल रहा हूँ इसका नाम मेरे को पता नहीं, इसीलिए भाई इसका नाम प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहा, बट इसका हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो भाई ओपी है ये सर्वर दिखाने का एक ही मकसद है भाई। यहाँ पे एक और इनक्यूबेटर आया था जो कि रिटर्न के अंदर आया था, जो कि जा चुका है भाई, उसी को भी ओपन करके दिखा लेता हूँ भाई। बन्नी वाला इनक्यूबेटर भाई यहाँ पे देख लो, बन्नी वाला इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर दिया गया था, तो भाई इसी का भी थोड़ा मोड़ा चांस निकलता है कि भाई ये हमारे गेम के अंदर देखने को मिल सकता है रिटर्न के अंदर, क्योंकि भाई ये आए हुए भी भाई बहुत साल हो गए, मतलब 1 साल हो गए भाई, सॉरी यार बहुत साल बोल रहा हूँ, 1 साल हो गए होंगे। मैं जब नया नया खेल रहा था तभी ये इनक्यूबेटर आया था, तभी मेरे को इसका ब्लू प्रिंट भी भाई मिला था एकदम फ्री में भाई, तभी मेरे पास स्टोन नहीं था इसलिए भाई मैं नहीं ले पाया था। बट गाइस यदि रिटर्न के अंदर देखने को मिलेगा तो मैं इसको जरूर से ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास स्टोन अभी अवेलेबल है, उसी के साथ साथ ब्लू प्रिंट भी मेरे पास पड़ा है, तो भाई इसको मैं जरूर से एक्सचेंज कर दूंगा। तो भाई अभी हम लोग बात करते हैं हम लोगों को कौन सा इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। तो गाइस सर मैं जितने भी आप लोगों को इनक्यूबेटर दिखा इनमें से कोई एक इनक्यूबेटर हम लोग को रिटर्न के अंदर देखने को मिलेगा। यदि गाइस हम लोगों को बंडल इनक्यूबेटर नहीं आया, यदि हम लोगों को गन का इनक्यूबेटर देखने को मिला, तो गाइस हम लोगों को M10 का इनक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर है, क्योंकि भाई और कोई गन का इनक्यूबेटर है ही नहीं भाई, इसलिए भाई इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग को गन का स्किन यदि मिलता है तो भाई हम लोग को यहाँ पे मिलेगा M10 का, क्योंकि भाई M10 अभी आया है, बट फिर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। और यदि बंडल का आता है तो भाई इतने सारे बंडल में आप लोग को दिखा दिया, इनमें से कोई एक बंडल देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ भाई लोग बहुत सारे बंदे ने सवाल किया था मेरे को कमेंट बॉक्स में कि भाई हम लोग को क्रिमिनल बंडल कब तक देखने को मिलेगा, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई क्रिमिनल बंडल अभी के टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसको लेकर भाई बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, इसलिए भाई क्रिमिनल बंडल हम लोग को रिटर्न के अंदर अभी के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। यदि मिलना होगा तो भाई फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा, मैं बोल रहा था भाई जनवरी में देखने को मिल सकता है, बट कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई न्यू ईयर पे बहुत सारे ऐसे इवेंट आने वाले हैं जिसके अंदर भाई मतलब यार क्रिमिनल नहीं देंगे यार, इतने सारे इवेंट चल रहे तो क्रिमिनल बंडल क्यों देंगे, इसीलिए भाई वो फरवरी के बाद में देखने को मिलेगा। यदि मिलेगा तो फरवरी के बाद में मिलेगा, जो पंगा खत्म होने के बाद देखने को हम लोग को इजीली मिल जाएगा। बट गाइस ये जब हमारे गेम के अंदर आएगा भाई बहुत ज्यादा डायमंड लेने वाला है, क्योंकि भाई ये रेयर बंडल है भाई। आप लोग जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता देना आप में से कितने बंदे क्रिमिनल बंडल के लिए डायमंड बचा के रख रहे हो, जरूर से बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ भाई मेरे तरह कौन कौन डायमंड बचा के रख रहा है। तो भाई लोग आज के वीडियो में जितना भी अपडेट था, जितने भी आप लोगों ने सवाल किया था, सभी सवाल का यहाँ पे मतलब यार जवाब दे दिया, अलग अलग सर्वर पे जाके सभी इनक्यूबेटर रिटर्न का इनक्यूबेटर में आप लोग को दिखा दिया। अलग अलग सर्वर में जाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो भाई वीडियो जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाते तो भाई आप लोग जरूर से लाइक कर देना। उसके साथ साथ यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग 17,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और भाई लोग मेरे को जरूर से कमेंट में कमेंट करके ये बता देना कि आप लोग को जानना है भाई सर्वर कैसे चेंज करते फ्री फायर में इंडियन सर्वर से और किसी सर्वर में कैसे जाना है, यदि आप लोग को जानना है वो भी गाइस कमेंट में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर से बना लूंगा। तो भाई लोग आज के वीडियो कहीं पेंड करते हैं, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मिलते गाइस किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।